नमस्कार, मैं लतिका लिम्रा टाइम्स की ओर से आज हम बात करने जा रहे हैं चौकीदार चोर है। हाँ, हम इस विषय पर बात करने जा रहे हैं चौकीदार चोर है की जंग। चौकीदार राजनीतिक ध्रुवीकरण का इस तरह एकमात्र शब्द बन जाएगा, इसका अनुमान शायद किसी ने नहीं लगाया होगा। हाँ, ट्वीट के मैदान जंग में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने नाम के आगे चौकीदार लगाया, अब इससे ट्विटरों की एक एक जो सामने आया, जो जैसे पीयूष गोयल और उसके बाद राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज समेत पूरी कैबिनेट एक एक करके चौकीदार की कतार में खड़े हो गए। तो ऐसा लगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को अपनी कम्युनिकेशन थ्योरी से जवाब देने की गंभीर कोशिश में भाजपा शीर्ष नेतृत्व भिड़ गया है। लेकिन यहाँ अलग एक बात है कि राफेल सौदे पर अक्रमता के साथ चौकीदार की सुरक्षा करने वाली रक्षा मंत्री निर्मल सीताराम सबसे बात ट्विटर पर आई। इससे अंदाजा यह भी लगाया जा सकता है कि बीजेपी के तरफ से जो संगठित सोची समझी राजनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने फैसले लेने के अपने स्टाइल में ही कांग्रेस के चौकीदार चोर है का आरोप का जवाब एक इर्द गिर्द राजनीतिक ध्रुवीकरण करने का किसी योजना की तरफ बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जब उदार और विनम्र साबित करने की चक्कर में खुद को सेवक और फिर चौकीदार कहा, तो उन्होंने यह भी नहीं सोचा था कि राजनीतिक जंग में यह उनके गले की हड्डी बन भी सकती है और उन्हें बचाव में भी चौकीदार की एक लंबी रेखा खींचने की जरूरत पड़ सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को गुजरात के विधानसभा चुनाव तक यह अंदाजा नहीं था कि मोदी द्वारा खुद को चौकीदार के जुल्मे में जो आप भी परोड़ी रच रहे हैं, वह लोकसभा चुनाव के एक राजनीतिकरण का नारा बन सकता है। एक शब्द राजनीति में किस तरह अपनी जगह बनाता है और वह किस तरह तमाम मुद्दों का आईना बनकर स्थापित होता है। लोक और मुहावरों में बरते जाने वाला चौकीदार जैसा शब्द कम्युनिकेशन के सिद्धांतकारों को एक लिए एक अध्ययन का विषय बन गया है। राहुल गांधी के संचार सलाहकारों को शायद से ठीक ही तरीके से माप लिया था। नरेंद्र मोदी जब खुद को चौकीदार बताते हैं तो वह उसके साथ छुपे अर्थों में चोर की तरफ भी इशारा करते हैं। लिहाजा चौकीदार की परेदारी की क्षमता पर ही सवाल खड़े करने का सिलसिला शुरू होना चाहिए, वरना लोकसभा चुनाव तक सिर दर्द बढ़ सकती है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में विधानसभा चुनाव के दौरान चौकीदार पर हमले शुरू कर दिए थे, लेकिन तब प्रधानमंत्री की केवल चौकीदारी की क्षमता पर वे सवाल खड़े रह रहे थे। जैसे राहुल गांधी ने पहले नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की क्षमताओं पर सवाल खड़े करने के लिए यह कहना शुरू किया कि हर चीज में लीक है, चौकीदार वीक है। यह दौर चुनाव की तारीखों के लिए लीक सीबीसीआई के पेपर के लिए लीक होने के साथ डेटा लीक होने का था। ऐसे हर माहौलों में राहुल गांधी ने एक कवि की तरह चौकीदार की क्षमता को चुनौती देने की कोशिश की। अमित शाह के बेटे जय शाह की कंपनी की तेजी से बड़ी कमाई पर उठने वाले सवालों के मौके की नजाकत को समझकर चौकीदार के जुमले में यह जोड़ा कि चौकीदार भागीदार बन गए हैं। चौकीदार के कमजोर होने व भागीदार होने के आरोप में यह सिलसिला बढ़ते बढ़ते 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के माहौल तक पहुंचा और रफाल सौदे पर दर परत सामने आने लगी तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नवंबर 2108 में पूरे दमखम के साथ यह ऐलान करना शुरू कर दिया कि दिल्ली में चौकीदार ही चोर हैं। भारतीय राजनीति में अपने अनुकूल शब्दों को कविता की पंक्तियों की तरह गढ़ने का सिलसिला नरेंद्र मोदी की सरकार की एक बड़ी देन मानी जा सकती है। कविता जैसी पंक्तियों और इशारेबाजी दो तरफा काम करती है, एक तो कानून की धाराओं से सुरक्षा प्रदान करती है तो दूसरी तरफ लोगों की भावनाओं को आसानी से उनके इधर उधर से खींचा जा सकता है। राहुल गांधी का बेरोजगार हूँ इसीलिए चौकीदार हूँ, चौकीदार चोर नहीं, चौकीदार प्योर है। राहुल गांधी का जब ये आरोप राफेल सौदे के ब्लॉग साथ मीडिया की सुर्खियां पाने लगा कि चौकीदारी चोर है, तो प्रधान नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को लगने लगा कि चौकीदारी की जो रेखा उन्होंने खींची है
और उस पर विपक्ष जिस तरह की लिखावट कर रहा है उसे मिटाया तो नहीं जा सकती, लेकिन चाणक्य की नीति के तरह उससे समांतर एक लंबी रेखा खींची जा सकती है। गुजरात के बाद 2018 के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की प्रचार शैली पर गोरे कर यह आसानी से जाना जा सकता है कि एक तरफ राहुल गांधी का चौकीदार और चौकीदारी पर आक्रमकता जितनी बढ़ती गई, प्रधान नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी उसका जवाब देने में उजलती गई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 7 फरवरी 2019 को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चौकीदार चोर है ये आरोप का जवाब प्रधान नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इस तरह दिया कि उल्टा चोर चौकीदार को डांट रहा है। जी हाँ, प्रधान नरेंद्र मोदी ने अपनी उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया और बताया कि वह किसी की चौकीदारी कर रहे हैं। वह उसने बताया कि मतलब उन्होंने किसकी चौकीदार कर रहे हैं। संसद में पत्रकार दीर्घा पर बैठे सदस्य को यह संकेत मिला कि प्रधान नरेंद्र मोदी की चौकीदार के जुल्मे में आक्रमकता के बजाय बचाव करने की मुद्दा हावी हो रही है। ट्विटर पर प्रधान नरेंद्र मोदी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के साथ चौकीदार के नाम के साथ आने से यह सवाल आने लगी, कहीं अपने बुने जाल में ही तो नहीं फंस गए। बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद इन 5 सवालों में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी रेखा खींचने के बजाय जब लंबी रेखा तैयार करने की कोशिश की तो उसमें कामयाबी की जगह मुसीबतें झेलनी पड़ी। बीजेपी जब विभिन्न स्तरों पर ध्रुवीकरण की कोशिश में कामयाब होते नहीं दिखी तो लगता है कि उसे लंबी रेखा खींचने का प्रयोग दौरान के अलावा कोई विकल्प नजर ही नहीं दिखा। मैं भी चौकीदार और चौकीदार चोरे के बीच में लोकसभा चुनाव का जंग तैयार होता देख रहा है। मैं अभी अलविदा कह दी हूँ लिम्बा राइम्स में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे न्यू आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले